जैन बच्चों, तो हमारे पास है हमारा बच्चा रत्नाकर, जिसने स्कोर किया 680। और इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि इस बच्चे ने अपनी जर्नी शुरू की 112 नंबर से। तो रत्नाकर, हम जैसा कि देख पा रहे हैं, तुम्हारे पहली बार 112 थे, 353, 496, 540, 570, फिर 680। ये बताओ कि यहाँ पे इस पूरे 5-6 साल की जर्नी में तुम्हें डिप्रेशन नहीं हुआ कि छोड़ दें? डिप्रेशन तो बहुत बार हुआ, क्योंकि पूरा साल एक जैसा नहीं चलता, कभी आपकी पढ़ाई होती है, कभी नहीं होती है। लेकिन मैंने कहा करते रहें तैयारी, बहुत से लोग करते हैं, एक साल में सबका थोड़ी हो जाता है। कोई सबका अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती, सबका अपना अपना स्टेमिना होता, कोई अच्छे से पढ़ लेता है एक ही बार में याद हो जाता है, कोई उसको बार बार पढ़ता है। इसलिए मैं अपना लगा रहा, तैयारी करता रहा। लेकिन ये है कि अगर कोई सोच ले तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा? जी सर, आपको अगर डटे रहना है, अपने आप पे डाउट मत नहीं करना कभी। अच्छा, जब पहली बार 112 आए तो ये नहीं लगा कि इतने कम नंबर है, कहाँ से होगा, छोड़ दें कुछ और? सर, मुझको पता था 112 क्यों, क्योंकि मैंने उस सब कुछ पढ़ाई नहीं की थी। यूपी बोर्ड से गया था, मैं इंग्लिश तो लिख नहीं पाता था, पहले साल डायरेक्ट बोल के नोट्स बनवाते थे, तब मॉड्यूल्स का टाइम था नहीं, इसीलिए मुझको पता था ये जो नंबर है कोई जस्टिफाई नहीं मेरे लिए, मेरी इससे बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, इसलिए मैं कभी डिप्रेस नहीं। अपने आप को सोचना चाहिए। जी सर, ठीक है। 112 से 353, 496, 540, 570 आए तो कैसा लगा? 570 आए तो उस साल मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, कोई भी कॉन्सेप्ट उनसे बचा नहीं था। बस यही था कि टेस्ट थोड़े से कम दिए थे, बहुत 5-6 टेस्ट दिए थे, इसी वजह से मेरा हुआ नहीं। तो मैंने सोचा कि इतनी मेहनत की है, इतना पढ़ने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो रहने देते हैं। फिर मम्मी ने कहा कि नहीं, इतने साल तैयारी की हो, ऐसे कैसे छोड़ दोगे, एक बार और तैयारी करो। तो मम्मी ने इंस्पायर किया? जी, मम्मी ने इंस्पायर किया। तो मैंने मम्मी ने कहा कि यहाँ लखनऊ में तुम टेस्ट नहीं देते हो प्रॉपर, कानपुर जाओ, वहाँ अच्छे से टेस्ट देना। तो मम्मी को ये कैसे पता था कानपुर में प्रॉपर टेस्ट होता है? क्योंकि सर मैंने बताया था मम्मी को, क्योंकि मम्मी कहती थी तुम टेस्ट नहीं देते मम्मी के वहाँ। तो मैंने कहा कि यहाँ जो न्यू लाइट का सेंटर जो वहाँ पर है, तो मैं जिया में रहता तो वहाँ से काफ़ी दूर था, और वहाँ पर ऑटो पहले पैदल चलो, फिर थोड़ी देर के लिए ऑटो मिलता, फिर पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था, इसलिए आलस के कारण मैं जाता ही नहीं था। सबको अपना कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट जोन में पड़ा रहता था, रूम में पढ़ता रहता तो था। कंफर्ट जोन में सिलेक्शन होता है? कंफर्ट जोन में सिलेक्शन होता ही नहीं है, इसीलिए तो नहीं हुआ इतने साल। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर एक लाइन में कहना तो तुम लखनऊ से कानपुर आए जब तैयारी करने, तो यहाँ पे न्यू लाइट में क्या ऐसा अलग लगा कि जिससे तुम्हारे नंबर करीब करीब 110 बढ़ गए? सर, न्यू लाइट में जो था वो टेस्ट था, और बच्चे जो इतने अच्छे रैंक वाले, अच्छे नंबर वाले बच्चे थे, कि मैं उन्हीं को अपने से कंपेयर करता था। मैं सोचता था मुझे भी इनके बराबर पहुंचना है, मैं भी उसी हिसाब से थे जो अच्छे रैंक वाले बच्चे, तो उन्हीं के मैं सोचता था मुझे भी वहां तक पहुंचना। और एसआरबी बैच में सभी दुखी आत्मा होते हैं? एसआरबी बैच तो ऐसा ही बैच ही, उसमें सब 600 के आसपास वाले पिछली बार थे, एक से एक अच्छे बच्चे थे। अच्छा, ये बताओ कि एक लाइन में जिन बच्चों का नहीं हो पाया है 2, 4, 6, 10, 20 नंबर से, इस बार तो नीट में बड़ा क्या हुआ, इससे ऐसा इम्तहान तो कभी हुआ ही नहीं। जी सर, क्योंकि हम लोग को भी लग रहा था 625-30 तक हो जाना चाहिए। अब वो बच्चे बहुत निराश हैं कि जब ऐसे पेपर होता है तो क्या होगा, फिर पेपर कैसा आएगा, उनसे क्या कहना चाहोगे? सर, उनसे यही कहना कि जो 2-4 क्वेश्चन, जो दो तीन क्वेश्चन थे उनका नहीं हुआ, वो सब सिली मिस्टेक से नहीं हुआ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, अपनी सिली मिस्टेक को मिनिमाइज कीजिए, आपका जरूर होगा सिलेक्शन, आप सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो बच्चों देखिए, ये बच्चे की राय है रत्नाकर की, कि अगर आप चाहते हो कि आपको इस फील्ड में रहना है तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और नहीं तो फिर छोड़ के फिर इसके बारे में सोचो भी नहीं, ठीक है ना? तो टाइम बेटा बहुत कम है, अब अपनी जर्नी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। और टेस्ट से बेटा एक फ़ायदा होगा ना, जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक तुम्हें आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है ना? क्योंकि तुम्हारे टेस्ट बर्ड भी तभी एक्टिवेट होते हैं जब मुंह में खाना जाता है। टेस्ट दोगे, गलती करोगे, तभी पढ़ने का मन करेगा। तो 2 से 5 का एकदम हैबिट बन गया था टेस्ट देना, 2 से 5 2 से 5 2 से 5। और वो आधा घंटा एक्स्ट्रा भी मिलता था हम लोगों को, 20 मिनट कम मिलता था। जी सर, वहाँ पे हमको एक्स्ट्रा मिला। हाँ, यहाँ कम मिलता था तो तुम लोगों को टाइम का प्रेशर नहीं। जी सर, मेरा तो 5 बजे ही पेपर समाप्त हो गया था, क्योंकि आदत पड़ गई थी ना 5 बजे ख़त्म करने की। चलो बेटा, बहुत बहुत बधाई, और हम चाहेंगे आप जैसे और भी बच्चे, उनका सिलेक्शन हो 2025 में, जो बिल्कुल करीब 630, 635, 640 आके नहीं सेलेक्ट हो पाएँ। और इस बार रत्नाकर, एक अच्छी बात ये थी
कि फ्रेशर बैच से भी खूब सिलेक्शन हुए, रिवीजन से भी हुए, एसआरबी से भी हुए, 12 से भी हुए जी सर, है ना, फाउंडेशन बैच से भी, फाउंडेशन से, बल्कि फ्रेशर में तो 707 आए जी सर। तो टेस्ट में हम लोग और इम्प्रूव कर रहे हैं जी सर, और हम लोग एक इम्प्रूवमेंट ये कर रहे हैं कि अब बच्चों की ओएमआर जो है ना बच्चे के मोबाइल पे आ जाएगी जी सर, तो देख पाएगा उसने कितना गोला भरा, सही भरा गलत भरा जी सर। चलो बेटा बहुत बहुत बधाई, गॉड ब्लेस यू, लाओ तुम्हें मिठाई खिला दें, तुम्हारी मिठाई तुम्हें ही। बहुत बहुत बधाई बेटा। थैंक यू सर। तो मम्मी ने इंस्पायर किया, नहीं बीएमएस नहीं करना है, एमबीबीएस करना जी है। सर मम्मी ने कहा था एमबीबीएस ही करना है, बीएमएस नहीं करना है जी सर। अब मम्मी कैसा लग रहा है? तो मम्मी बहुत खुश है, अब कहती मेरा बोझ हल्का हो गया। चलो मम्मी देख रहे हैं तो उनको भी प्रणाम, और आपके इंस्पिरेशन से बच्चे को कॉलेज मिल रहा है, और ऐसे ही सभी मदर से कहेंगे बच्चों को डिमोटिवेट ना होने दें, ठीक है? थैंक यू बच्चों, जय हिंद।